हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे ओडीआई मैच के हाइलाइट्स में। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 51 रनों से जीत लिया। दोस्तों भारत को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी कि SCG में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 से बढ़त भी बना ली है। स्मिथ की पारी के दम पर भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 389 रन का विशाल पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 338 रन बना सकी और मैच हार गई। स्टीव स्मिथ को उनके शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इससे पहले दोस्तों वनडे में भारत को 66 रनों का हार का सामना करना पड़ा था। अब सीरीज का तीसरा मैच 2 दिसंबर को कैनबरा में खेला जाएगा। दोस्तों स्टीव स्मिथ ने दूसरे वनडे मैच में 64 गेंदों में शानदार 104 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 2 छक्के भी जड़े। भारत के लिए कप्तान विराट कोहली ने 89 और KL राहुल ने 76 रनों की पारी खेली, लेकिन इन दोनों की यह पारी भारत को जीत नहीं दिला सकी। वहीं दूसरी तरफ शानदार फॉर्म में चल रहे स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 5वां शतक जड़ दिया। उन्होंने सीरीज के पहले मैच में शतक के साथ लगातार दूसरा शतक जमाया। पहले वनडे में शतक के लिए उन्होंने 66 गेंदों का सामना किया था। वहीं दोस्तों स्मिथ की 104 रन की पारी के अलावा विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 77 गेंदों में 83 रन बनाए, जबकि कप्तान एरोन फिंच ने पहले विकेट के लिए 23 ओवर में 142 रन की साझेदारी के दौरान 60 रन का योगदान दिया। मार्नस लाबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल की जोड़ी ने इसी आक्रामकता को बरकरार रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। दोस्तों लाबुशेन ने 70 और बिग हिटर मैक्सवेल ने 29 गेंदों में 4 छक्के और इतने ही चौके की मदद से नाबाद 63 रन ताबड़तोड़ बना डाले। दोस्तों भारत ने मुकाबले में 390 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 338 रन ही बना पाई और वह 9 विकेट भी गवा चुकी थी, जबकि 50 ओवर पूरे भी हो गए थे। दोस्तों यह 5वां मौका है जब भारत पावर प्ले में फेल हुई है। टीम इंडिया वनडे में पावर प्ले के दौरान एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाई। 27 नवंबर को मैच में भी ऐसा नहीं हुआ था, जबकि पूरे इतिहास में ऐसा सिर्फ 5 बार हुआ है जब भारत शुरू के 15 ओवर में कोई भी विकेट नहीं ले पाई हो। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में हार का प्रमुख कारण क्या था, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।